नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं सुनीता जी, पूजा दुबे जी, रमा शंकर जी, श्रीम जी, तुलसी जी, रीनू मिश्रा जी, अनूप पांडे जी, प्रांजल जी, आरती भट्ट जी, दीपाली यादव जी, इला शुक्ला, मोनू त्रिपाठी जी, पूजा तिवारी जी, रमेश जी, राणावत जी, संतोष जी, श्रीम शर्मा जी, संध्या मिश्रा जी, ज्योति रावत जी, विपिन यादव जी, दिलखुश मीना जी, अर्चना ठाकुर जी, उपदीप कौर जी, पुपरी कलाम जी, सोनी प्रजापति जी, संतोष कुमार जी, आनंदिता शर्मा जी, मनीषा तिवारी जी, राम शर्मा जी, वर्षा मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज तो आपने बहुत अच्छे कमेंट दी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जो भी आपके आने वाले इम्पोर्टेंट कवि हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करा दूँ। ये मेरी कोशिश वैसे भी रहती है। चलिए आज हम बात करेंगे रीतिकाल के शेष कवियों की, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं कादिर, यानी कादिर बख्श से। इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनके आप बहुत डिटेल मत जाइए, लेकिन जो मुख्य बातें वो आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि आयोग अपना दायरा बढ़ा रहा है। पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे कादिर जी, ठीक है। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। यहाँ पे कई बार अगर आपके सामने बिल्कुल तथ्य मौजूद नहीं होते हैं, बिल्कुल सही जानकारी नहीं मौजूद होती है, तो कम से मतलब अनुमान लगा लिया जाता है कि यदि इनका जन्म संवत 1635 में हुआ होगा तो लगभग कविता काल, यानी इन्होंने रचना लगभग इस उम्र में करनी शुरू की गई की होंगी, तो इनका जो रचना काल है वो लगभग संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कवित्व पाए जाते हैं, ठीक है। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्व लोगों के मुंह से बहुत सुनने को आता है। तो अभी देखिए, इनकी खास बात तो कुछ नहीं मिली है। इनमें अगर खास बात यह है तो इनके गुरु का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये सैयद इब्राहिम के शिष्य थे, और इनका जो ये पद दिया हुआ है जो ज़्यादातर सुनने को आता था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे, है ना। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे, कहाँ भयो दई कलि काल यो खरानो है, पोथी और पुराण ज्ञान ढट्ठन के डारी देत, चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है। कादिर कहत या सो कछु कही बेको नाही, जगत की रीति देखी चुप मन मानो है, खोल देखे हीयो सब औरन सो भांति भांति, गुन ना हीरानो गुन गाहक हीरानो है, ठीक है। एक ही इनकी जो पद है, एक ही पद दिया गया है और बड़ा सुंदर पद है कादिर जी का, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद अगर हम बात करें मुबारक, यानी सैयद मुबारक अली की, अब यहाँ पे इनका आपसे नाम भी पूरा पूछा जा सकता है कि मुबारक का पूरा नाम क्या था, है ना भाई। जब वो आयोग किसी नए लेखक को उठाता है जिससे अभी तक ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, तो उसकी सरल चीज़ों को ही पहले उठाता है, बाद में गहराई में जाता है, सीधे गहराई में बहुत कम ही जाता है। तो अगर इनको उठाएगा तो इनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें पहले पूछेगा। बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के आस पीछे, यानी बाद संवत 1600 के बाद मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे, ठीक है। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार के ही की ही कविता करते थे। ये मुबारक थे, इनको खाली श्रृंगार ही मुबारक था, ये सिर्फ श्रृंगार संबंधी ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़ी विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पे 100-100 दोहे बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। इनका प्राप्त ग्रंथ अलक शतक और तिल शतक है, शायद यहाँ तिलक शतक होना चाहिए, उन्हीं के अंतर्गत है ना। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्व सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते हैं,
और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत चढ़ी बड़ी चढ़ी होती थी, है ना। सैयद मुबारक के बारे में शुक्ल जी ने दो विशेष बातें बताई। इन्होंने सिर्फ श्रृंगार रस में कविता की, और अलंकारों की बात की जाए तो इनकी जो उत्प्रेक्षा होते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े होते थे। बाकी इनके आपको ग्रंथों का नाम याद करना है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि क्योंकि मेरे पास जो ये पीडीएफ है ये शायद किसी पुराने पीडीएफ एडिशन का पीडीएफ है, तो कुछ जगह पे जो टंकड़गत काफ़ी अशुद्धियाँ इसमें देखने को मिली हैं, तो ये आप अपनी किताब से देख सकते हैं। इन दोहों के अतिरिक्त इनमें इन्होंने बहुत से कवित्त संग्रह ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। ये हो गया है, हाँ। और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर बढ़ जाते थे, ठीक है। कुछ नमूने देखिए यहाँ पे भी अलग शतक और तिल शतक दिया है, तो हो सकता है, संभव है ये तिल शतक ही हो। आप किताब से अपनी कन्फर्म कर लीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगी आपको आपने किताब से देख के। परी मुबारक तिय बदन अलक ओप अति होए, मानो चंद की गोद में रही निशासी सोए, चिबक कूप में मन पर्यो छबजल त्रसा विचारी, कढ़ती मुबारक ताही तिय अलक डोर सीटा, चिबक कूप रसरी अलक तिलसु चरस रग बैल, बारी बैस सिंगार को खींचत मनमत छैल। ठीक है, ये है, और ये फुटकल से देख लीजिए इनका। एक एक अंग पे 100-100 दोहे लिखे हैं और 10 अंगों का इन्होंने वर्णन किया था। कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतन के माल और सोहे भली भांति है, चंदन चढ़ाए चारु चंद मुखी मोहिनी सी, प्राति ही अनहाए पग धारे मुस्काती है, चुनरी विचित्र श्याम सज के मुबारक जू। ढाके निख सकते निपट सकु चाती है, चंद्र में लपेटी समेटी के नखत मानो, दिन में को प्रणाम कर किए रात चली जाती है। वाह चलिए बनारसी दास जी ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में रहा करते थे। जौहरी थे ये, ध्यान रखिएगा, बनारसी दास जी जौहरी थे, आमेर में रहा करते थे। इनके पिताजी का नाम खड़क सिंह था, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और रहते थे बनारस में। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन व्रत अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। आप लोगों ने जो भी जीवनी वृत्तांत आप दिए रहते हैं किताबों में, आपने ये जरूर पढ़ा होगा। पहला जीवन व्रत है बनारसी दास जी का अर्ध कथानक। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वैसे ये आता होगा आप सभी को। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, जो हम पीछे की तरफ जाएं पुराने हिंदी साहित्य में यही एकमात्र आत्मचरित मिलता है। इससे इनका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवा अवस्था में इनका आचरण अच्छा ना था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार की कविताएं किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी। अभी मुबारक जी के बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने नहीं फेंकी थी, उनको समस्याएं भी नहीं हुई होंगी शायद। देखिए बनारसी दास जी तो आगे चल के सुधर गए थे, इन्होंने अपनी सारी कविताएं गोमती नदी में फेंक दी थी और क्या किया था, ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे थे। मनुष्य के साथ समस्या ये होती है कि मनुष्य पे जब खुद कोई चीज का अनुभव हो जाता है ना, तब उसको ज्यादा अनुभव करके ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और एक प्रवृत्ति और होती है, यदि मैंने अनुभव कर लिया तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अनुभव आपके साथ बांट लूँ ताकि आप वो गलती ना करें। लेकिन फिर आप क्या चाहते हैं, आप भी खुद ही अनुभव करके करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है वो जल्दी सफल हो जाता है। इन्होंने क्या किया, सारी जो अपनी श्रृंगारी कविताएं थी इन्होंने गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञान उपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। अब कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी हैं, गद्य में भी इन्होंने उपदेश दिए।
इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। चलिए देख लेते हैं इन्होंने बाद में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं सुधर जाने के बाद। बनारसी विलास नाम से लग रहा है कि ये सुधरने के पहले ही लिखी गई है, है ना। नाटक समय सार, जो बनारसी विलास है ये इनके फुटकल कवित्तों का संग्रह है। नाटक समय सार में क्या है, कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार दिया है। कुंदाचार्य थे, उन्होंने नाटक समय सार लिखा होगा या उसी से नाम से कोई और ग्रंथ, उसका इसमें उन्होंने सारांश संक्षेप दिया है। नाममाला क्या है, कोष है। अब देखिए नाममाला शब्दमाला जो इस तरह के शब्द होते हैं अक्सर, जो नाम होते हैं ना उसमें अक्सर वो कोष ग्रंथ ही होते हैं। अर्धकथानक सभी को पता है, इनकी जीवनी है। बनारसी पद्धति मोक्षपदी, ठीक है, जब इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया होगा, ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, ये बाद की ही होगी। धारु वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचासिका, मार्गन विद्या, ठीक है, ये इनके देखिए थोड़े से अलग भी हैं, पहचानने में आसानी से आएंगे। थोड़ा याद करिएगा ना, इनकी दो तरह का जीवन रहा था, एक इनको ज्ञान प्राप्त होने के पहले और एक बाद में, ठीक। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण देखिए, अब यहाँ पे ये पंक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पे कहीं पे भी तुलना की है शुक्ल जी ने, तो आयोग उस तुलना को जरूर आपसे पूछ सकता है ना। इनकी जो कविताएं थी वो दादूपंथी सुंदर दास जी की कविताओं से बहुत मिलती जुलती थी। सुंदर दास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी थे भाई, है ना। चलिए, भोंदू ते हृदय की आंखें, जे करिबे अपनी सुख संपत्ति, भ्रम की संपत्ति भाखे। सुंदरदास जी भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी बड़े उपदेश दिए थे, इनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया था भाई, पढ़े लिखे थे ही। जिन आंखें सो निरख भेद, गुण ज्ञानी ज्ञान विचारे, जिन आंखें सो लख स्वरूप, मन ध्यान धारणा धारे, काया सो विचार प्रीति, माया ही मैं हार जीत, लिए हट रीति जैसे हारिल की लकड़ी। कभी कभी पद का वो बदल जाता है और मैं एक ही पद में चली जाती हूँ, जो चलिए। चंगुल के जोर जैसे गोह गही रहे भूमि, त्यों ही पाए गाड़े पे न छाड़ी टेक पकड़ी, मोह के मरोर सो मरम को न ठोर पावे, धावे चाहूं और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठे के झरोखे भूली, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी, ठीक। सेनापति जी पता है, पूछे जाते हैं, सेनापति ये अनूपनगर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम गंगाधर था, पंडित गंगाधर, मायाधर, विद्याधर शास्त्री, ओंकारनाथ शास्त्री बिल्कुल नहीं था, सेनापति थे। इनके साथ मजाक मत करिएगा, इनके पिता का नाम गंगाधर था, पितामह परशुराम थे और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। गुरु का नाम इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित, ठीक है। इनका जन्म संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ। इन्होंने ऋतु वर्णन में तो किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है, यानी सेनापति जी को श्रेष्ठ बता दिया। पूछा जा चुका प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का निरीक्षण पाया जाता है। निरीक्षण मतलब इन्होंने प्रकृति को बहुत बारीकी से देखा और देखने के बाद इस पे मतलब लिखा। और जब भी आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से देख के पढ़ के जान के करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है, दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, तिन कीने जग जाकी विपुल बड़ाई है, है ना। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है, वाह। महाजजमानी विद्या दान हूं मैं चिंतामानी,
हीरामणि दीक्षित से पाई पंडिताई है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कानदे सुनत कविताई हैं। इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं है। गर्वोक्तियां मतलब जब कोई अपने बारे में गर्व करके ऐसे इस तरह से उक्तियां लिखता है, अपने ही बारे में मतलब वैसे बात करता है, उसको गर्वोक्ति कहते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपने बारे में या इस तरह की गर्वोक्तियां कही हैं वो खटकती नहीं है, बुरी नहीं लगती हैं, उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में इसका इनका अच्छा मान रहा होगा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है, के तो करो कोई पे करम लिखोई ताते, ठहराइए आदित्य बसरस, बीत गई है बरस, अब दुर्जन दसन बीच रस न बढ़ाइए, चिंता अनुचित धारु धीरज उचित, सेनापति हव्य सुचित रघुपति गुण गाइए। आगे क्या कहते हैं, चारी बारी दानी तजी पाई कमलेक्षन के, है ना, कमलेक्षन के पायक मलेक्षन के काहे को कहाइए। समझ रहे हैं बात, एक जब विरक्त हो गए तो बड़ी धुन में उन्होंने ये भी लिख दिया है। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इनके पीछे इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित्त रत्नाकर में मिलते हैं, जैसे महामोह कंदनी के जगत जकंदनी में, दिन दुख दुंदही में जात है बिहाय के, सुख को न लेस है कलेश सब भातिन को, सेनापति यहीं ते कहत अकुलाई के, आवे मन में ऐसी घबराए परिवार ता, जो डारो लोक लाज के समाज बिसराई के, हरिजन पुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहो बैठी कहूं तरवर तर जाए के। यद्यपि इनके इस कवित्त में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं। इस कवित्त में उन्होंने वृंदावन बोल दिया है, लेकिन फिर भी ये इनके जो उपास्य हैं, मतलब जिनकी ये उपासना करते थे, वे राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति सीतापति राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवित्त रत्नाकर में इनको सबसे पिछला यानी बाद का ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उनकी रचना संवत 1706 की हुई है। ठीक, जैसे यथा संवत 1706 में से सियापति पाए, सेनापति कविता सजी सज्जन सजो सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्प द्रुम भी प्रसिद्ध है, पूछा आपके उसमें परीक्षाओं में भी जाता है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनकी में पूरी भावुकता थी, वैसे दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी थी। भावुकता भी थी और निपुणता, जहाँ भावुकता और निपुणता मिल जाती है तो बहुत ही विलक्षण चीजों का निर्माण हो जाता है। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद कहीं और ना मिले। याद रखिए, सेनापति जी को बहुत बड़ा स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने ऋतु वर्णन के मामले में। नाही नाही करे थोरो मांगे सब देन कहे, ठीक है, नाही नाही करे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है, जिनके मिलत भली प्राच जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होती, सदा शुभ जनमन भावे निराधार है, भोगी हवे रहत बिलसत अवनि के मध्य, कन कन जोरो दान पाठ परिवार है, सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सुन दो कीन्हे एक सार है। भाषा पर अच्छा अधिकार कम कवियों में देखा जाता है। इनकी भाषा बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा की ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। मतलब अनुप्रास और यमक इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लिखे हैं, पर इनकी जो रचना उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं, बनावटीपन नहीं दिखाई देता, ना ही भद्दापन दिखाई देता है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं यानी याद है। रामचरितमानस संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं।
चलिए देखते हैं। बानिसो सहित सुबरन मुह रहे जहां धरत बहुत भांति अर्थ समाज को संख्याकारी कीजिए अलंकार है अधिक या में संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक जामे राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। ठीक सुनो महाराज चेरी होती चार चरण की ताते सेनापति कहे तज उर लाज को लीजियो बचाए जो चुरावे नहीं को सौंपी बित्ता की सिथाती में कवित्तन को कवित्तन के ब्याज को। व्रस को तरन तेज सहसो तरन तपे ज्वालिन के जाल विकराल बरसत हैं। पूछी जाती हैं ये पंक्तियाँ। तजति धारनी दग झुकत झुरन सीरी छाह के को पकारी पंथी पंछी बिरमत हैं। सेनापति ने को दुपहरी ढरकत होते धाम का विसमझो न पात खरकत है मेरे जाने पौन सैरे ठौर को पकड़ी काहूँ घरी एक बैठ काहूँ धाम बितवत है। सेनापति उनय नये नये जलद सावन के चारुहूँ दिशान घुमरत भय तोए के शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भाती आने है पहार मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमर सघन भयो देखी न परत मानो रवि गयो खोए के चारी मासी भरी श्याम निशा को भरम मानी मेरे जाने यही ते रहत हरी सोई के। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां। धीर जल धार की सुनत धुनि धार कियो दर की सुहागिन को छोह भरी छतियां। आई सुधि बार की हिये में आनी खर की सुमिर पान प्राण प्यारी वे प्रीतम की बतियां। बीती औधी आवन की लाल मन भावन की डक भई बावन की सावन की रतियां। बाली को सपूत कपि कुल पुरहूत रघुभुज रघुवीर जी को दूत धरी रूप विकराल को युद्ध मद गाड़ो पाव रोपी भयो ठाड़ो सेनापति बल भाड़ो भर रामचंद्र भोव पाल को। कच्छप कहली रहु कुंडली रहल रहो दिग्गज दहली त्रास परो चक चाल को पाव के धारत अति भार के परत भयो एक ही परत मिली संपत पताल को। रावण को वीर सेनापति रघुवीर जी को आयो है शरण छारी ताही मंद अंधा को मिलत है ताको राम कोप के करी करी है ओपी नाम जोए दुर्जन दलन दीन बंधा को। देखे दान वीरता निदान एक दान ही में दीन है को दान को बखानो सत्यसंध को लंका दस दस कांधार की दीनी है विभीषण को शंका विभीषण की सो दीन दस कंधा को। बढ़िया सेनापति जी की भक्त प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। आपने कर्म करी हो ही निभोगे तो हो ही करतार करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवि कवित इन्हीं का है। ध्यान रखिएगा आपने कर्म करी हो ही निभोगे तो ही करतार करतार तुम काहे के। बढ़िया चलिए पुहकर कवि को देख लेते हैं। पुहकर कवि ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे पर पीछे यानी बाद में गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहांगीर ने इन्हें किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा था जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया था। रस रतन कारागार में लिखा गया था और इतना बढ़िया लिखा गया था कि रस रतन लिखने के बाद जहांगीर ने इन्हें जेल से छोड़ दिया था। ध्यान रखिएगा विशेष हो जाता है। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में जिसमें मुख्य छंद दोहा और चौपाई है प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। यानी कि अब देखिए रस रतन में जो नायक नायिका हैं वो हैं रंभावती और सूरसेन। रंभावती थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने रंभा को। चलिए
कल्पित कथा को लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी का शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है, ध्यान दे लीजिएगा। क्या कल्पित कथा को लेके प्रबंध काव्य रचना है ना, ये ज़्यादा कवियों ने नहीं की है। कल्पना की कथा लेकर प्रबंध काव्य कम रचे गए, यही इसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसमें संयोग और वियोग की विविधा दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग से के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिलते हैं, यानी इनका एक ही है रस रतन, ठीक। पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना शैली दिखाने के लिए उद्दत पद्य पर्याप्त होंगे, मतलब इन पदों को देखकर आपको रचना। चले मैमता हस्ती झुमंत मता, मानो बछला श्याम साथे चलंता, बानी बागरी रूप राजंत दंता, मानो बक आषाढ़ पाते उदंता, लसे पीत लाले सुढाले ढलक्के, मानो चंचला चौधी छाया छलक्के। देखिए कुछ अजीब शब्द आ रहे हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो पूकर जी हैं, इन्होंने एक ही लिखा है, कुछ अजीब लिखा है ना। चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे परे, चंद की कला की में दुति दूनी दरसती है। ललित लतानी में लता से गही सुकुमारी, मालती से फूल जब मृद मुस्काती हैं, पोह कर कह चित देख बिराजे, तित परम विचित्र चारु चित्र मिल जाती है। आवे मन माही तब रहे मन ही में गाड़ी, आवे मन माही तब रहे मन ही में गाड़ी, नैनन बिलोक बाल नैनन समाती है, ठीक। सुंदर, ये सुंदर दास नहीं है, ये सुंदर हैं। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, शाहजहां ने सुंदर को, शाहजहां ने सुंदर को पहले कविराय फिर महाकविराय बना दिया था। और इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नाम की नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा था। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है, संवत 1600 बरस बीते 78 सीति, कार्तिक सुदी सप्तमी गुरु रचे ग्रंथ करी प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन 32 और 12 मासा नाम इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना सप्त चमत्कारपूर्ण है, एक उदाहरण दिया जाता है, चलिए देख लीजिए। काके गए बसन पलट आए बसन सु, मोरे कुछ बस न रसन उर लागे हुए, बोहे तेरे छोहे कवि सुंदर सुजान सोहे, कुछ आलिसी हो गए जाके पग रस पागो है, परसों में पाए होते परसों में पाए गई, परसों में पाए निसी जाके अनुरागो है हो, कौन कविता के हो जो कविता बनत हो के सो, कौन बनिता के बनता के संग जागे हो। लाल चंद या लच्छोदय, ये मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह यानी संवत 1685 से 1709 की माता जाम्बवती के प्रधान श्रावक हंसराज भाई डूंगर सिंह के पुत्र थे। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक के प्रबंध काव्य की रचना की थी, जिसमें रत्नसेन और पद्मिनी की कथा राजस्थानी मिली भाषा में वर्णित है, ठीक है। लाल चंद या लच्छोदय ने क्या लिखा है, पद्मिनी चरित्र। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इनकी कथा में बहुत जगह भेद है, यानी अंतर है जायसी की कथा से।
इनके जो रत्न सेन और पद्मनी की कथा है उसमें काफी सारा अंतर है। जैसे कि जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मुंह धोना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने के कारण इसमें यह बताया गया है कि पट रानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उन्हें पसंद ना आया। इस पर रानी से चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो पद्मनी को ब्याह लाओ। समझे, रानी ने ताना दे दिया था इसमें रत्नसेन को, प्रभावती ने रत्नसेन को खाने पे दिया था ताना, यही अंतर कर दिया था। तब लड़की बोली, तिसे तो जी सख राखी मन धारी रोस। राजस्थानी की तरफ की भाषा है ना, थोड़ा सा आपको भी अजीब गटपटी लगेगी। नारी आणो काना बीजी देव मत झूठो दोस, हमें कले भी जीना नहीं किसु करीजे बात, पदमणि का परणो न बीज जी में भोजन होए स्वाद। इस पर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ, राणो तो हूँ रतन सी परणो पद्मनी नारी। ठीक, राजस्थानी जो में जो रहते हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहां ओघड़नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। बहुत इजीली, बहुत सरलता से ये तो पहुंच गए। वहां राजा की बहन पद्मनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। लो, एकदम शादी के टाइम ही पहुंच गए। सिंघल द्वीप नो राजी नो रे, सिंघल सिंह समान रे, तस बहण छे पद्मनी रे, रूपे रंभ समान रे, जोबन लहरा छाए छे रे, ते परणु भरतार रे, पर तज्ञा जे पुरवे रे, तास बरे भरमार रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर रानी को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जायसी के व्रत से और भी कई बातों में भेद है, अंतर है, जिसका चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। मतलब ये चरित्र रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्त काल के अन्य आख्यान कौन कौन से हैं। आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य और ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान ने काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती तो हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रसंगों या व्रतों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष ये घटना या कुछ भी कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। व्रत सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती। मतलब पूरा नाम खाली ऐतिहासिक ले लिए जाते थे, व्रत ज़्यादातर कल्पित रहते थे। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता, केवल जैन कवि बनारसीदास कृत अर्धकथानक मिलती है। नीचे मुख्य आख्यानों का उल्लेख किया जाता है, जो आख्यान लिखे गए वो मुख्य ये दिए गए। ऐतिहासिक पौराणिक कल्पित आत्मकथा रामचरित मानस, तुलसी ढोला मारू रा दुहा, प्राचीन अर्धकथानक बनारसीदास, हरिचरित लालचदास, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की, रुक्मणी मंगल नरहरि का, सत्यवती कथा ईश्वरदास, रुक्मणी मंगल नंददास, माधवानल काम कंदला आलम की, सुदामा चरित नरोत्तम दास। हालांकि ये हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, देख लीजिए दिया है तो, रतनदास रस रतन अभी पढ़ा है, पोकर कवि रामचंद्र का केशव दास, पद्मनी चरित लालचंद, वीर सिंह देव चरित केशव का है, कनक मंजरी काशीराम बेल, कृष्ण रुक्मणी, जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज। ठीक है, ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारू रा दोहा और बेल कृष्ण रुक्मरीरी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है, दोहे बहुत पुराने हैं, ये बात उन भाषा में से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र में रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए हैं, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो जाती है। इसी से संवत 1618 में के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी थी। आप समझ रहे हैं, इसीलिए इसके दो रचनाकार माने जाते हैं। पहले जो लिखी गई थी वो क्योंकि कहीं पे लिपिबद्ध नहीं की गई थी, तो बीच बीच में कुछ दोहे गायब हो गए थे, तो कथा की जो श्रृंखला थी वो टूट रही थी, तो कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ लिखकर जोड़ दी।
दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में भोला मारूरा दोहा के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं, यानी कि कबीर से भी काफ़ी पहले की है ये। बेल कृष्ण रुक्मिणी री जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेश देशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को छोप भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी मिलती है। तो इसी के साथ में हमारा भक्ति काल जो है वो समाप्त होता है। बीच में ये वाला मुझे लगता है आपको थोड़ा बोरियत हो रही होगी, लेकिन कुछ मुख्य बातें देख लीजिएगा। आज के वीडियो में शोर भी ज़्यादा है, मैं कोशिश करती हूँ इस शोर को कम करने की। बहुत मजबूरी है, मैं जिस जगह पर रहती हूँ ना, चाहे जिस समय बनाओ वीडियो, शोर हो ही जाता है। फिर भी मैं देखती हूँ कि शोर ना हो आगे के वीडियो में, आप लोगों को समस्या होती होगी। भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी ये शोर से मुझे और आपको निजात मिल जाएगी। बहरहाल, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रीतिकाल के साथ अगले वीडियो में, ठीक है? नमस्कार।